वेलकम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मरियम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मरियम होम कुकिंग। आज की माय रेसिपी है चिकन वेजिटेबल समोसा। सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स को काट लिया था। मैंने गाजर और बंद गोभी ली थी, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था और मैंने शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिया था। उसके बाद मैं अब इसको नमक लगा के इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। आधे घंटे के रखने के बाद मैं इसको, ये ना पानी छोड़ देगा, मैं इसको मलमल के कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरह निचोड़ लूँगी ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। मैंने जो है इसको निचोड़ लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं खुश्क खुश्क हो गया। अब हम इसको बनाते हैं, फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल के बाद मैंने इसमें 1 कप चिकन डाल देना है। हमने अच्छी तरह मिक्स करना तक चिकन वाइट ना हो जाए, हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद अब इसमें काली मिर्ची डालूंगी 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी जो समोसा का चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इस पर अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे। वेजिटेबल्स डालने के बाद अपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो पानी छोड़ देंगी। हमारी जो समोसा की फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम की फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने जो है 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, उसके अंदर मैं पानी डाल के इसकी फाइन पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट जो है हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसके समोसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक समोसा ली, इसके ऊपर मैं अपनी थोड़ी सी पेस्ट डालूंगी हाथों की मदद से। इसकी मैं एक समोसा की शेप बना लूंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर अपनी फिलिंग डालूंगी वेजिटेबल चिकन की। उसके बाद आपने इसको इक्वल करके इसको बंद कर देना है। हमारे समोसा है वो रेडी हो गए हैं। इसी तरह आपने सारे समोसे बना लेने हैं। जो हमारे समोसे हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको 2 से 3 माह के लिए रख भी सकते हैं फ्रीज के लिए। अब इनको रमज़ान में भी बनाएंगे। मैं भी इनको फ्रीज़ कर दूंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।